का स्वागत है लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे डिजिटल शिक्षा तथा रोजगार विकास संस्थान की वैकेंसी के बारे में। इसके लिए आप किस तरीके से आवेदन कर सकते हैं, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और कौन सी वैकेंसी है जिसके लिए आप आवेदन कर सकते हैं, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। पर इन सब की बात करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने अभी तक हमारे चैनल लर्निंग टाइम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज गाइस, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको डेली ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब की जानकारी मिलती रहे। फ्रेंड, बात करते हैं जो निकली भर्ती के बारे में, इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर चलते हैं। तो फ्रेंड, इसके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर यहाँ पे देखते हैं डिजिटल शिक्षा एंड रोजगार विकास संस्थान की। यहाँ पे आपको फाइल नंबर, नोटिफिकेशन डेट यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी। आपकी स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन आवेदन करने की 10 मार्च से लेकर 15 अप्रैल तक है, ठीक है। यहाँ पे एप्लीकेशन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट इन्वाइट टू इंडियन सिटीजन इन पार्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैकेंसी है जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, ब्लॉक प्रोग्राम सुपरवाइजर की है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मस्ट भी आपका बेस्ट होना चाहिए ग्रेजुएट एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। एज यहाँ पे होनी चाहिए 1/8/2021 के अनुसार, ठीक है। 138 वैकेंसी है, यहाँ पे आपको सैलरी दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे वैकेंसी आपको जो कैटेगरी वाइज दे रहेगी, यूआर के लिए 18, आपको जो एज दे रही है 18 से 32, ओबीसी को 18 से 35, एससी कैटेगरी के लिए 18 से 37 तरीके है। रिक्वायरमेंट बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन, यहाँ पे आपके पास ईमेल, एक्टिव ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर होना चाहिए, एटलीस्ट 1 ईयर, ऑल फ्यूचर कम्युनिकेशन आपका रेफरेंस होगा, कैंडिडेट विल टेक थ्रू ईमेल आईडी, ठीक है। तो यहाँ पे कैंडिडेट आर एडवाइज टू फ्यूचर ऑल कम्युनिकेशन शैल बी डिस्प्ले ऑनली ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये जानकारी देखने को मिल जाएगी। तो आपके फ्यूचर रेफरेंस के लिए ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आपका जो रहे वो 1 साल तक कम से कम एक्टिवेट रहे, ठीक है। सेंटर और एग्जामिनेशन के बारे में आ रहा है तो आप देख सकते हैं अगरतला, अहमदाबाद, इलाहाबाद, बेंगलुरु, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उनकी जानकारी आ रही है वो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात करें 500 रुपये है, जनरल ओबीसी इकोनॉमी सेक्टर के लिए 350 रुपये फीस है आपकी, जो कि जैसे SC/ST फिजिकल डिसेबल के लिए। यहाँ पे आपको पेमेंट जो करना है ऑनलाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे इसके बारे में आ रहा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, देखते हैं आपका स्कीम ऑफ सिलेबस ब्लॉक प्रोग्राम सुपरवाइजर मेड अवेलेबल ऑन द वेबसाइट डिपार्टमेंट। यहाँ पे आपको देख सकते हैं वैकेंसी जो है, पेपर पार्ट है जनरल स्टडी, रीजनिंग, अर्थमेटिक एंड न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंसिव 100 नंबर, 200 नंबर क्वेश्चन 2 घंटे का रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी जो कि एप्लीकेबल है, डिडक्ट किया जाएगा 1/3 नंबर आपके गलत करने पर एक क्वेश्चन के, ठीक है। यहाँ पे आप बाकी आप डिटेल दे सकते हैं, ठीक है। आपको जो सिलेबस के पूरी जानकारी देकर जनरल स्टडी और रीजनिंग की यहाँ पे दे रखा है, करंट अफेयर, बुक, स्पोर्ट्स अवार्ड, इंटरनेशनल, नेशनल ऑर्गेनाइजर, बजट, इंडियन हिस्ट्री, आपका इंडियन ज्योग्राफी, बाकी आपको दे सकते हैं एनालॉजी, सिमिलरिटी, डिफरेंस, स्पेस विजुअलाइजेशन, यहाँ पे आपको पूरा डिटेल देखने मिल जाएगी। अर्थमेटिक न्यूमेरिकल एबिलिटी में यहाँ पे दे सकते हैं पूरा आ रहा है आपका, होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर एंड परसेंटेज रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर, फ्रूट्स, एवरेज, ठीक है। यहाँ पे आपको टेस्ट ऑफ इंग्लिश में दे सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव स्पेलिंग, सेंटेंस आपका अरेंजमेंट, एरर करेक्शन, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, पैसेज कंप्लीटेशन, प्रोपोर्शन, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, स्पॉटिंग एरर, यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आवेदन करने के लिए यहाँ पे आप बता रहे किस तरीके से करना है, इसकी वेबसाइट पर जाएंगे, रिक्रूटमेंट पोर्टल पर, एडवर्टाइजमेंट लिंक पर आप जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करें पोस्ट पर, इस तरीके से यहाँ पे आप आवेदन कर सकते हैं। आपका मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कट ऑफ मार्क एग्जाम इन दे सकते हैं, जनरल ओबीसी इकोनॉमी सेक्टर 45, SC/ST कैंडिडेट 40% दे रखा है, ठीक है। 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 15 तारीख से पहले इसको आपको आवेदन करना होगा। बाकी डिटेल है यहाँ पे आप खुद चेक कर सकते हैं फ्रेंड इसकी। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देखेंगे ये वेबसाइट आप बड़ी आपको यहाँ पे 2-4 बार प्रयत्न करेंगे तब जाके ये आपका ओपन होगा, तो ये बहुत ही मुश्किल से ओपन हो रही है सर्वर प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कई बार अटेम्प्ट करने के बाद जाके मेरा ये वेबसाइट ओपन हुआ है, ठीक है। तो लिंक मैं दे दूंगा, तो ये मैं गारंटी नहीं दे सकता कि आपकी ये जल्दी ओपन हो जाए, तो आप उसको ऐसे समय पे खोले जब यहाँ पे रात के समय जब यानी सर्वर पे लोड कम हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वैकेंसी डिटेल देखने को मिल जाएगी, 10 तारीख से आवेदन है, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है। तो फ्रेंड जैसे ही ये लिंक आपका द्वारा से मेरे एक्टिवेट होता है, मैंने कोशिश करी फिर से तो नहीं हो रहा था, तो जैसे ही ये आपका पूरी इन्फॉर्मेशन रात में जैसे ही मैं अवेलेबल रहूंगा वहां पे आपको मैं आवेदन करके दिखाऊंगा किस तरीके से आवेदन करना होता है। जैसे ये लिंक एक्टिवेट फिर से होगा, ठीक है, सर्वर लोड की वजह से फिर से काम नहीं कर रहा है, तो आपको यहाँ पे ट्राई करते रहना पड़ेगा।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है फॉर्म फिलिंग करने में या किसी भी अन्य वैकेंसी की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, इसकी पूरी आपके जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप की जानकारी मैं अलग से आप लोगों को बता दूंगा। फ्रेंड यह वीडियो